दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वाले जो फॉर्म आए हैं उसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपके सामने बार बार ये वाला एरर आ रहा है, सॉरी सॉरी एरर अकर्ड, यहाँ पर लिखकर आ रहा है यू हैव लॉग आउट या फिर सीजन एक्सपायर्ड या फिर इम्प्रॉपर ब्राउजिंग, तो इसका क्या मतलब है, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन हो सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेजोन से, अब मैं डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करूंगा, यहाँ पर भी मुझे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं अमेजोन पर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च करके मंगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस ऐप के थ्रू मंगाऊंगा अमेजोन ओपन करके, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा क्या मैंने सामान मंगाया है, और उस पर कुछ रेफरल अर्निंग वगैरह, यानी कि कुछ एक तरीके से बोलूँ तो कमीशन वगैरह यहाँ पर इस ऐप में लौट कर आ जाएगा, जो कि आपके इसके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है। और जब वो 200-250 रुपए के आसपास हो जाए तो इसके बाद आप इसे कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं बड़े आराम से, ये अमेजोन पे में चला जाता है और उसका आप आगे चल के यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह में और कोई सामान वगैरह मंगाने में। तो काफ़ी अच्छा और काम का ऐप है, आप जितनी भी इससे शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसा बचाने का मौका मिल जाएगा। और इस ऐप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहा था, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंने फिल कर ली थी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब मैं सेव कर रहा था तो यहाँ पर ये वाला अलर्ट और एरर मेरे सामने आ रहा था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कि अगर मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर पूरा फॉर्म चला जाता है, बार बार 2-3 बार मैं करके देख चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब है, मतलब इस एरर को किस तरीके से हटाना है दोस्तों? तो इस एरर का जो मतलब है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर लिया, यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरे पास बार बार ये वाला एरर आ रहा है। इसका साफ साफ ये कहने का दोस्तों, आप यहाँ पर लॉग आउट हो चुके हैं, आपने ज्यादा टाइम ले लिया फॉर्म को फिल करने में। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने टाइम लिमिट इस बार सेट कर दी है, बहुत ही कम टाइम आपको मिलता है फॉर्म को फिल करने का। अगर आप अपनी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको डिटेल्स को फिल करने में दिक्कत आ रहा है, आपको बार बार याद करना पड़ता है इतनी सारी डिटेल्स को, क्या क्या मैंने कौन सी जगह लगाई थी, तो एक बार आपको डिटेल्स को अच्छे से फिल कर लेना है। जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर जहां जहां फिल करनी है, अच्छे से डिटेल को फिल कर लें, आपको लग रहा है टाइम आउट हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसकी फोटो खींच लें, दूसरे मोबाइल से इसकी फोटो खींच सकते हैं, आप किसी भी मोबाइल से फोटो खींच लें, और उसके बाद दोबारा से इस वाले पेज को लॉग आउट करना है आपको। मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला एरर आ रहा है, फिर भी आपने लॉग आउट कर दिया, गो होम पर आपको आना है वापस से, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना उसी तरीके से जैसे आपने लॉगिन किया था, और लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी परसेंट कितना फॉर्म फिल हो चुका था, वो लिख कर आ जाएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी सेव नहीं हो पाई थी, वहाँ पर ही ये वाला एरर आने लगा था, तो मतलब सिर्फ मेरा 20% ही फॉर्म फिल हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, अभी दोबारा मेरे पास फिल करने का ऑप्शन आएगा वही वाला, जैसे ये मेरी डिटेल्स सेव नहीं हुई है। अगर मैं उन डिटेल्स को जो मैंने अभी फिल की थी उसकी मैंने फोटो वगैरह खींच लिए, तो देखते देखते मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से टिक लगा दूँ, जो भी डिटेल्स मैंने फिल की थी वो फिल करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दूँ, तो मेरे सामने ये वाला एरर नहीं आएगा, अगले स्टेप पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस बार स्टेप्स वगैरह काफी बढ़ा दिए हैं, डिटेल्स वगैरह काफी फिल करने के आपको नए नए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन टाइम यहाँ पर कम दिया गया है, तो टाइम जल्दी यहाँ पर आउट हो जाता है, तो इस वजह से ये वाला एरर आपके सामने आने लगता है। तो आपको बार बार लॉग आउट करना पड़ रहेगा और तो आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। इन डिटेल्स को आपको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल सा दोस्तों, अपनी डिटेल को अच्छे से फिल कर लें। अगर आपको लगता है टाइम आउट हो चुका है तो आप डिटेल्स को फिल करने के बाद एक बार फोटो खींच लें, या फिर अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जो आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसमें आपको लगता है फिल करने में टाइम लगता है, तो उसको कॉपी कर सकते हैं आप उतनी इतनी डिटेल को, सिर्फ एक ही बार कॉपी होता है आपको पता ही है, एक बार डिटेल को अच्छे से कॉपी कर लें, या फिर दूसरे नोटपैड में आप पेस्ट कर लें कॉपी करके, वहां से आपको हल्की हाल पेस्ट कर देना है जल्दी से, जब आप दोबारा से फॉर्म को खोलें लॉगिन करने के बाद, तो आपकी डिटेल ब्लैंक आएंगी, आपको वहां से कॉपी करना है वापस से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जल्दी से फॉर्म को फिल हो जाएगा और आपके सामने ये वाला एरर नहीं आएगा। बस ये वाली प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है दोस्तों, और सबसे ज्यादा जो एजुकेशन डिटेल्स वाला स्टेप यहाँ पर दे रखा है उसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों को यहाँ पर समस्या आ रही है, काफी टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है डिटेल्स को फिल करने का, एक एक डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से फिल करनी पड़ रही है। तो डिटेल को मतलब गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि गलती करने के बाद यहाँ पर करेक्शन कोई भी तरीका वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो आपको आराम से फिल करनी है, भले यहाँ पर टाइम आउट हो जाए, एक बार आपको डिटेल्स को फिल कर लेना है, उसकी फोटो वगैरह खींच लेनी है और उससे ही आपको आगे का पूरा फॉर्म दोबारा से फिल कर लेना है लॉग आउट करके लॉग इन करने के बाद। बस यही एक तरीका है दोस्तों इस वाले एरर को हटाने का। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर लीजिए वीडियो को, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का
रिप्लाई करने की। और जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं उस पर भी अच्छा खासा कैशबैक या फिर कमीशन वगैरह बचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, उसके थ्रू आप यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म में फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पर 12th की डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है उसमें आपकी मिस्टेक वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है।